Everyone, के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित उन जो हमारा पहला प्रश्न है आज सार्वजनिक बैंकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है सार्वजनिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण उन्नीस में किया गया था दूसरा सार्वजनिक बैंक का कार्यालय तो सार्वजनिक बैंक का कार्य केवल ऋण प्रदान करना है सार्वजनिक बैंकों का नियामक भारत सरकार द्वारा किया जाता है उपयुक्त कथन के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे असत्य कथन पे ध्यान देना इस है इसमें चार ऑप्शन हमारे विकल्प मौजूद है केवल एक और दो केवल एक और तीन केवल तीन और एक और तीन अगर हम इस तीनों स्टेटमेंट पर गौर करें तो और इसकी व्याख्या पर जाए तो आप देखेंगे कि सार्वजनिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार चौदह बैंकों का उन्नीस में किया गया था जुलाई उन्नीस में किया गया था उसके बाद छह बैंकों को 1980 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया अभी हालात ये है कि अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बारह जिसमें स्टेट बैंक और उसके एसोसिएट उससे संबंधित स्टेट बैंक से संबंधित जितने भी उनके बैंकों का विलय कर दिया गया था तो स्टेट बैंक को मिलाकर कुल बारह राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या अभी है दूसरा सार्वजनिक बैंकों का कार्य न केवल ऋण प्रदान करना बल्कि ऋण देने के साथ साथ जमा भी स्वीकार करता है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो केवल ऋण नहीं देता है वो ऋण देने के साथ साथ कैश एक्सेप्ट भी करता है लोन भी देता है एंड सार्वजनिक बैंकों का मुख्य कार्य साख सृजन करना भी है सार्वजनिक बैंकों का नियामक केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है न कि भारत सरकार के द्वारा तो जितने भी राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक हैं उन दोनों का जो केंद्रीय शक्ति है जो उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो रिजर्व बैंक है तो इसका मतलब अगर हम प्रश्न के ऊपर जाए तो प्रश्न ये तीनों स्टेटमेंट गलत है यानी उत्तर इसका डी होगा प्रश्न पर तो यहां पे जो दूसरा प्रश्न है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संबंध में कथन गलत है पहला स्टेटमेंट है अप्रैल उन्नीस की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक ये सैन्य गठबंधन है दूसरा इसके मूल सदस्य बेल्जियम सोवियत संघ डेनमार्क फ्रांस आइसलैंड इटली लक्जमबर्ग नीदरलैंड नॉर्वे पुर्तगाल यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे तीसरा स्टेटमेंट है हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए अपनी रुचि दिखाई है और चौथा कि नाटो का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तो इन चारों स्टेटमेंट पर अगर आप गौर करें तो इसमें से हमें गलत कथन का चुनाव करना है तो गलत कथन कौन सा है इसके बारे में आप इसकी व्याख्या में देखें तो इसका व्याख्या में अगर देखते तो नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल उन्नीस इसका मतलब पहला आपका सही है। में इसमें सदस्य राज्य शामिल है यह एक एडिशनल फैक्ट आपको दिया जा रहा है इसके अलावा इसके मूल देश मूल सदस्य देश बेल्जियम कनाडा डेनमार्क फ्रांस आइसलैंड इटली लग्जमबर्ग नीदरलैंड नॉर्वे पुर्तगाल यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका थे यहाँ पे कनाडा इनका जो मूल सदस्य है वो है जबकि दूसरे स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सोवियत संघ की बात लिखी जा रही है तो ये सोवियत संघ गलत है इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है तो इसका सही आंसर बी होगा ऐसे व्याख्या पे और चलते हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नोटो में नाटो में शामिल होने के लिए अपनी रुचि दिखाई है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है और नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी सो यहाँ पे तवा मानस दिहांग बंजार तीस्ता और लोहित नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है तो यहाँ पे नदियों सहायक नदियों के नाम दिए गए ब्रह्मपुत्र में तो इनके जो सहायक नदियां हैं उसमें अगर इस ऑप्शन विकल्प है उनको देखा जाए तो यहाँ पे दिहांग तिस्ता लोहित और मानस ये चार नदियां जो हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं और अगर हम इनके व्याख्या पर आते हैं तो व्याख्या में अगर देखिए तो यह तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती बहती है यहाँ पे तिब्बत तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर यह नदी बहती है ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है और यह तिब्बत से बहती हुई नदी भारत में जैसा कि आपको पता है कि उत्तर पूर्वी भाग में जो अरुणाचल प्रदेश है वहां से प्रवेश करती है असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र असम घाटी में से और बंग, बंगाल में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है, पद्मा गंगा संगम के बाद जो गंगा यहां से निकलती है और उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए जो बंगाल की खाड़ी से पहले ये संगम के बाद इसका नाम गंगा संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है और इसी धारा के जो जहां पे इन दोनों का जुड़ाव होता है वहां पे सुंदर बनकर डेल्टा का निर्माण निर्माण किया निड़्मान होता है तो ये बंगाल की खाड़ी में लास्ट में जाके, में जाकर अंतिम वो गिर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी नदी एक लंबी है जिसकी लंबाई सौ किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में साम्पो अरुणाचल में दिहम और असम में ब्रह्मपुत्रा है ये नदियाँ एक ही है लेकिन क्षेत्र के अनुसार इनके नाम परिवर्तित होते गए हैं ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से और दक्षिण में बहती हुई मूल शाखा पदमा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिलती है और इसके जो नाम मैंने आपको बताया उसके अलावा लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं अब हम अब आते हैं चौथे प्रश्न पर यह प्रश्न निम्नलिखित में से नील कलचुरी राजवंश का संस्थापक था तो ये चार ऑप्शन इतिहास से संबंधित प्रश्न है प्राचीन भारत से यहाँ पे हरियर कोकलम प्रथम विजयालय और महामेघ वाहन ये चार नाम है क्योंकि ये कल्चुरी राजवंश अभी हाल में चर्चा में क्यों आया कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में अभी आ, दूसरी से पांचवी शताब्दी में बहुत गुफाएं मिली हैं जो कि कल्चुरी राजवंश के, के से जुड़ी ही मानी जा रही है तो इसलिए इस प्रश्न का यहाँ पे संदर्भ बनता है और इसकी व्याख्या पर अगर हम जाएं तो हम अगर देखते हैं तो कलाचुरी प्राचीन भारत का विख्यात राजवंश था कलाचुरी वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने 1845 सौ ईस्वी में की थी उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था कलाचुरी संभवतः चंद्रवंशी क्षत्रिय थे कोकल ने प्रतिहार शासक भोज और उसके सामंतों को युद्ध में हराया था उसने तरुष्क वंग कोंकण पर भी अधिकार कर लिया था कोकल के 18 पुत्रों में से उसका बड़ा पुत्र शंकरगन अगला कलाचुरी शासक बना और कलाचुरी शासक त्रैकुटक संबंध का प्रयोग करते थे जो दो से दो ईसा पूर्व में प्रचलित हुआ था तो ये जो इसका आंसर होगा अगर आप इसके प्रश्न पर जाते हैं तो विकल्प बी यानी कोकल प्रथम इसका आंसर होगा अब हम अपने पांचवें और अंतिम प्रश्न पर आते हैं कि जी ट्वेंटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें पहला जो स्टेटमेंट है जी ट्वेंटी का गठन उन्नीस में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना जी देशों में दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी वैश्विक जीडीपी का 80 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 75 परसेंट शामिल है इंडोनेशिया जापान सिंगापुर और दक्षिण कोरिया भी इसके सदस्य देश है उपयुक्त तो में से कौन सा सत्य है अब ये चार विकल्प आपके सामने केवल एक और दो केवल एक और तीन केवल एक दो और तीन और केवल डी एक दो तीन चार अगर इस स्टेटमेंट जो चारों स्टेटमेंट है कथन है उनके ऊपर विचार करें और इनकी व्याख्या पर जाए तो जी ट्वेंटी का गठन 1999 सौ वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था जो कि पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है अगर आप इसमें देखते हैं तो इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले दूसरे स्टेटमेंट में वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं कि जी ट्वेंटी देशों में दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी वैश्विक जीडीपी का अस्सी प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का पिछहत्तर शामिल है तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसमें सही है चौथे स्टेटमेंट में अगर देखें तो G20 में अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा, चीन यूरोपियन यूनियन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेशिया इटली जापान मैक्सिको रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका कोरिया गणराज तुर्की यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो इसके जो चौथे स्टेटमेंट को अगर देखेंगे तो यहां पे सिंगापुर एक सिंगापुर जो कि उनके व्याख्या में अगर आप देखिए तो जी ट्वेंटी में शामिल नहीं है इसका मतलब सी ऑप्शन एक दो और तीन इसका सही विकल्प होगा इसका सही उत्तर होगा धन्यवाद